तो भाई लोग, जिस मैच का था आप सबको इंतजार, एलिमिनेटर, क्योंकि क्वालिफायर वन से ज़्यादा चर्चे तो मैं बोलूँगा एलिमिनेटर के मुकाबले के थे। तो एलिमिनेटर आज के लिए है, मतलब कि नाम से ही सीधा सीधा, जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से, और जो टीम जीती वो खेलेगी SRH के अगेंस्ट में क्वालिफायर टू। तो मैच जीतना तो दोनों टीम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, बट आज के लिए क्या जो प्रेडिक्शन रहने वाली है, क्या आज के लिए पूरे जो स्टैट्स है वो सब निकल कर आते हैं, क्या टीम्स रह सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भाई आगे जाकर कोई भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो वो मिस ना कर पाओ, और आपको हर एक वीडियो में मौका मिलता है कि भाई आप ना ग्रैंड लीग जीतने के आपके चांसेस बढ़ जाए। और वो कैसे ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस मैं बोलूँगा तब बढ़ते हैं जब बढ़िया सा रिस्क लेते हो, और बढ़िया सा रिस्क में मैं बोलूँगा अगर ऐसी हो कि ग्रैंड लीग में एंट्री फ्री मिल जाए तो फिर ग्रैंड लीग में तो बढ़िया एकदम तड़कता भड़कता रिस्क ले सकते हैं और जीतने के चांसेस बनेंगे। तो ऐसा ही है आज के लिए ऑफर कि भाई 5 आप मेगा ग्रैंड लीग टीम ज्वाइन कर सकते हो, एक दो भी नहीं, पूरी की पूरी 5 टीम, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। तो ज़बरदस्त ऑफर रहने वाला है, क्या है और क्या नहीं सारी चीज़ें इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक देखोगे तो आपको समझेगा। बाकी लाइक कर दिया, अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। ग्राउंड की बात की जाए भाई, अहमदाबाद ही रहने वाला है। अब बहुत सारे लोगों तो देखो ऐसा है कि वीडियो बना दी, मैच हुआ नहीं था उससे पहले ही, बट अपना तो एक रूल रहता है कि अगर पिछले दिन भी सेम ग्राउंड पर मैच है तो वो वाला मैच भी कहीं ना कहीं कवर करके वीडियो बनाई जाएगी, ताकि पता रहे कि भाई आज के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले मैच की चीज़ें दूसरे में बता दी और अलग ही चीज़ें हो रही है, तो वो वाला नहीं है। अहमदाबाद में होगा, देखो मुकाबला 7:30 बजे। अब कल का मैच आपने देखा था कैसा रहा था, वैसे ओवरऑल यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने मैचेस जीते भी ज़्यादा है। ठीक है, स्कोर यहाँ पर तभी सेफ रहता है अगर 220 बन जाए या 210 बन जाए, वरना उससे पीछे अगर स्कोर आपका है, इवन 190 है, अगर 200 भी है तो भी वो सेफ नहीं है। अगर 210 220 है तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेफ साइड आप फील कर सकते हो। एंड वही चीज़ देखने को मिली, 159 बनाए थे, 13 ओवर में चेज़ कर दिया यहाँ से KKR की टीम ने, और SRH की टीम से कहीं ना कहीं ख़राब बैटिंग भी देखने को मिली, 159 तक वो पहुँच पाए। थोड़ा भी अगर संभल कर बैटिंग करते तो हो सकता है कि 200 तक जा पाते, बट यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि बैटिंग खराब रही थी, पिच उतनी ख़राब नहीं थी। आपको मैं इस मैच की पिच रिपोर्ट बताता हूँ जो थी। बाउंड्रीज तो ऑब्वियसली छोटी थी, तो भाई बाउंड्रीज तो लग सकती थी बढ़िया तरीके से। पिच रिपोर्ट में ये था, शुरुआती ओवर में शायद उतना कुछ देखने को ना मिले, जबकि स्टार्क को अर्ली स्विंग मिली। आज के मैच में भी यही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, भाई शुरुआती ओवर में जो है बॉलर्स को स्विंग मिलेगी और नई बॉल के साथ में डालता कौन है, राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा वो अर्ली स्विंग के मामले में, फिर ट्रेंट बोल्ट का नाम आता है। और अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो यहां से फिर सिराज और यश दयाल जो अर्ली ओवर्स में स्विंग करा सकते हैं, बट मेनली शायद आपको स्पिनर देखने को मिल जाएगा मैक्सवेल, क्योंकि सामने जायसवाल रहने वाला है। ठीक है, यही चीज इन्होंने CSK के सामने अपनाई थी और यही चीज ये आज भी अपनाने वाले बैंगलोर की तरफ से। बाकी नई बॉल के साथ में आपको यश दयाल और वैसे डालते हुए सिराज, और यहां से दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट, तो ये भाई नई बॉल के साथ में स्विंग कराएंगे। उसके बाद में हल्का फुल्का वो मॉइस्चर भी था पिच में, शायद आज वो चीज़ देखने को ना मिले, बट हाँ यहाँ पर स्पिनर्स एक मैं बोल सकता हूँ थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिलेगी, मिडिल ओवर्स में रन कंट्रोल करते हुए आपको ज़रूर नज़र आ सकते हैं। ओवरऑल एक हाई स्कोरिंग पिच मानी गई थी पहले मैच में, वो बैटिंग थोड़ी ख़राब रही, उसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें, यहाँ से हटा दे दिमाग से, तो ये एक हाई स्कोरिंग पिच है जहाँ पर 200 बन सकता है, इवन राजस्थान भी बना सकते हैं, इवन RCB बना सकते हैं, जिसमें RCB अगर पहले बैटिंग करते तो उनके ज़्यादा स्कोर बनाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और जो कि पहले मैचेस में बन भी चुका है, 200 बन चुका है, 231 बन चुका है। एंड RCB तो ये वही ग्राउंड है जहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड चेज किया था कि भाई 16 ओवर में 200 का टारगेट चेज कर दिया था और 9 विकेट से उस मुकाबले को जीते थे, बाकी 8 विकेट पेस के थे, 3 विकेट स्पिन के थे। स्पिनर के जो विकेट्स थे वो कहीं ना कहीं वैसे ही रहे, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3-4 विकेट स्पिन के। अब आते हैं जरा यहाँ से बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन की, तो आपको जायसवाल देखने को मिलते हैं, ज़्यादा अच्छी फॉर्म में जायसवाल रहे नहीं है, आज के लिए भी डेफिनेटली थोड़ा खतरा तो यहाँ से रहने वाला है। जायसवाल के पिछले 4-5 इनिंग्स 4-24, 4-67, 24 और 1 सेंचुरी आई थी बीच में। बाकी उसके बाद में टॉम कोलर कैडमोर है, पहले मैच में बड़ा स्लो खेला है बंदा, 23 बॉल में 18 बनाए, जिस चक्कर में सैमसन को भी आउट कराया, जायसवाल तो शुरुआत में हो ही गया था, तो वाली चीज़ है। बाकी कैडमोर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर हाँ आई थिंक कि अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह में रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद वो बारी आती है संजू सैमसन की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है आज के लिए, हो सकता है रन बनाए, लास्ट टाइम भी जब खेला था तो इसने भाई RCB के अगेंस्ट में रन बनाए थे। एंड अगर हम पिछली 5-6 पारियाँ देखें तो उसमें 2-3 तो आपको बढ़िया दिखेगी, एक बार 0 पर हुआ, बाकी पिछले 2 में 18 और 15 का स्कोर रहा है। उसके बाद वो बारी आती है रियान पराग की, जो काफ़ी कंसिस्टेंटली खेलता है वो अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है, एंड ऑलमोस्ट हर मैच में हमने लिया है, आज के लिए भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ध्रुव जुरेल लास्ट मैच 0, उससे पहले 28-52 का स्कोर है, उससे पहले भी एक सिंगल जेड स्कोर है, बाकी बीच बीच में ध्रुव जुरेल की तरफ से
कभी कभार 50 वाला वो जो स्कोर है वो आ जाता है। बाकी यहाँ से रोमन पावेल है, हो सकता है शुमरन हेटमेयर को आज के लिए शामिल कर लिया जाए अगर वो फिट होता है तो। बाकी पावेल 4/13/27 इनका रिसेंट है। अश्विन की तरफ से विकेट ज़्यादा आए नहीं है। आरसीबी की टीम में लेफ्ट हैंडर्स तो हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे आते हैं लेफ्ट हैंडर जो बचे हुए भी ना, तो अश्विन से मैं उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाला हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि अश्विन अगर बैटिंग कोलैप्स होता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो अश्विन बैटिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है आपको परफॉर्मेंस करके दे दे। बाकी उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट है, इंपाउंड ऑब्वियसली बनने वाला है, रिकॉर्ड्स की बात आगे करेंगे क्या है क्या नहीं है। रिसेंट फॉर्म ऐसा है फिलहाल के लिए कि ऑल्टरनेटिव मैचेस में विकेट्स चल रहे हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया रही थी वैसे ट्रेंट बोल्ट के लिए सीजन की। उसके बाद में बारी आती है आवेश खान की, 2 मैचेस खराब गए बट वापस बंदे ने 2 विकेट निकाले हैं। बट एक बहुत सरप्राइजिंग सा रिकॉर्ड है आवेश खान का, ठीक है, वो इनिंग वाइज मैं बताता हूँ, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, नाम जरूर याद रखना ट्रेंड बोल्टर आवेश खान का। बाकी चहल पिछले 1-2 मैचेस जो खराब गए थे उसके बाद में अभी पिछले 3 मैच से तो उन्होंने बढ़िया विकेट जो है निकाले, मतलब 5 में से 2 मैच खराब थे, उसके बाद में पिछले 3 मैच में इनके नाम विकेट जो है सही मिल गए हैं। और यहाँ से बनते हैं संदीप शर्मा, जैसा मैं बोला था कि कहीं ना कहीं संदीप शर्मा वो वन टाइम वंडर की तरह है इस सीरीज़ में, इस सीज़न में, कि 5 विकेट निकाले थे 1 मैच में, उसके बाद 2 विकेट है। अब उससे पहले का परफॉर्मेंस देखो तो भी 1-1 विकेट है और उसके बाद देखोगे तो भी आपको 1-1 और 0 विकेट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ से बेंच में आज के लिए हो सकता है भाई बर्गर को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि राजस्थान की टीम ने पिछले मैच में बोला था कि नांद्रे बर्गर को हम, जो कि मैच हुआ नहीं ऑब्वियसली, बट बोला गया था कि नांद्रे बर्गर को जो है टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 3 ओवरसीज़ खिलाड़ी खिलाए हैं। अगर आप देखोगे ना यहाँ से एक कैडमोर है, एक पावेल है और एक यहाँ से बोल्ट है, तो बर्गर को ये शामिल कर सकते हैं। या फिर हो सकता है अगर बैटिंग की जरूरत पड़ जाए तो हेटमेयर वगैरह को शामिल कर ले, ठीक है। उसके बाद में तनुष कोटियान और उसके बाद में शुभम दुबे हैं, इनके चांस कम है बर्गर के, हेटमायर के और बाकी यहाँ से केशव महाराज के। ये 3 प्लेयर हैं जिनके कि ओवरसीज, जिनके एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आने के चांस बनते हैं, ठीक है। कुलदीप सैन इनके पास में, लास्ट टाइम जब कुलदीप सैन खेला था ना अगेंस्ट आरसीबी, बहुत बढ़िया विकेट्स निकाले थे भाई ने। बाकी कुणाल राठौड़ है, नवदीप सैनी और आबिद मुश्ताक यहाँ से रहने वाले। अब जरा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या जो है आपके लिए ऑफर है जो हमने शुरुआत में बात की थी, ठीक है। तो आप 5 मेगा ग्रैंड लीग में बोलूँगा ज्वाइन कर सकते हो, मतलब 5 रुपये में 5 टीम्स आप ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ आप 250-300 रुपये लगाते हैं ग्रैंड लीग टीम ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर 5 रुपये में 5 टीम ज्वाइन हो जाएगी और इस मैच में कर सकते हो। कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है माइलन सर्कल का, फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी है ताकि आप सिर्फ 5 रुपये में ज्वाइन कर पाओ, वरना बाद में फिर वो एंट्री फीस बढ़ जाएगी, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके लिए रूल रहने वाला है और साथ ही साथ मेगा ग्रैंड लीग का जो यहाँ पर प्राइस है ना वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब अगर आप जीतते हो तो भाई अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हो, क्योंकि शुरुआत ही समझो 1 करोड़ से, 1 करोड़ से नीचे तो आप फर्स्ट आए तो 1 करोड़ से नीचे तो कुछ मिलने नहीं वाला, ठीक है, सीधा 1 करोड़ मिलेगा या इवन उससे ऊपर भी, क्योंकि आज के लिए एलिमिनेटर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, तो शुरुआत में बोलूँगा 1 करोड़ से भी नहीं, उससे ऊपर से ही हो रही होगी, ठीक है। बाकी यहाँ से 2 करोड़ 3 करोड़ भी प्राइजेस है, साथ में गाड़ी और सोना भी है ज़बरदस्त तरीके से, एक डिस्क्रिप्शन में कोड और दिया हुआ है उसके बारे में और सुन लो, वहाँ पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल सकता है आपके पहले डिपॉजिट पर। जब आप पहला डिपॉजिट करोगे ना तो मेक श्योर ठीक ठाक डिपॉजिट करो आप उसमें, ताकि आपको 20% एक्स्ट्रा कैश का फायदा मिल जाए। जैसे कि आप 200 रुपये डिपॉजिट करते हो तो 20% बढ़ के 240 आपके वॉलेट में आता है, आप 500 करते हो 20% बढ़ के 600 आता है, 1000 करते हो आप 20% बढ़कर 1200 रुपये आपके वॉलेट में आता है, तो हुई ना ज़बरदस्त बात। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें, 1500 रुपये का कैश बोनस भी आपको मिलने वाला है, तो बस बिल्कुल नहीं करना, फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में माइलन सर्कल डाउनलोड करो और मैं ग्रैंड लीग ज्वाइन करो। देखो अगर बात करें आरसीबी की टीम की, देखो आरसीबी जो इन्होंने प्लेइंग 11 खिलाई थी ना अगेंस्ट सीएसके, वही इनकी सेम प्लेइंग 11 आपको यहाँ से जो देखने को मिल सकती है। मतलब कि क्या, फाफ डू प्लेसिस इनको की भाई बढ़िया फॉर्म में, लास्ट मैच में 54 इन्होंने बनाए थे। उसके बाद में अगर हम यहाँ से बात करें तो विराट कोहली है जो अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, बट एक चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ कि लो एवरेज भाई हर खिलाड़ी के ऊपर जाता है। अब विराट कोहली को देखोगे ना, लगातार चल रहा था, 3 पर आउट हुआ फिर वो स्ट्रीक चालू हो गया रन बनाने की। अभी आप देखो पिछले 6 पारियाँ विराट कोहली के भाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से है। अब अगर उसे 18 और 42 को भी काउंट कर लो तो स्ट्रीक थोड़ी और लंबी हो जाती है, थोड़ा सा खतरा तो लगता है। और सामने ट्रेंट बोल्ट है और हम सब जानते हैं शुरुआत में लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में इंडियन खिलाड़ी जो है स्पेशली, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो स्ट्रगल करता है। हमने रोहित शर्मा को देखा, हमने बाकी खिलाड़ियों को भी देखा, रोहित शर्मा का नाम इसलिए याद है क्योंकि वो 2-3 बार आउट हुए लगातार, बट हाँ यहाँ से खतरा तो रहता है। तो हो सकता है विराट कोहली आज के लिए मैं थोड़ा कैप्टन के लिए 50-50 चॉइस मानूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट है टीम में ज़रूर रखना फाफ डू प्लेसिस को भी और यहाँ से उसको भी और पाटीदार को भी,
कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में, जैसा मैं बोलता हूँ, हमेशा स्पिन को टैकल करने के लिए पाटीदार काम में आता है। पिछली 5-6 इनिंग जो रही है ना, उसमें भाई ने 5 तो 50 मार दिए। लास्ट मैच में वो 9 रन से रहेगा, 1 और 50 वरना आ जाता। उसके बाद में मैक्सवेल बैटिंग से लास्ट में आके कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, 16 रन उन्होंने बनाए थे, हालांकि 5-6 बॉल में बनाए थे, तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रहे। बाकी उसके अलावा 1 विकेट 1 विकेट 0 और यहाँ से 2 विकेट 2 विकेट देखने को मिले हैं। बट आज के लिए बॉलिंग कर सकता है, क्यों? क्योंकि आपको सामने लेफ्ट हैंडर देखने को मिलेगा और हो सकता है शुरुआती ओवर में ही बॉलिंग करे। राइट हैंडर्स थे, स्वप्निल सिंह से बॉलिंग कराई जा रही थी जो ऐसा इंपैक्ट रहेगा। अभी लेफ्ट हैंडर है तो आपको मैक्सवेल से बॉलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जायसवाल रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ से कैमरन ग्रीन है, बट एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्रीन फिलहाल के लिए मैक्सवेल से ऊपर आ रहा है बैटिंग करने, क्योंकि मैक्सवेल का उतना अच्छा फॉर्म नहीं था पूरे सीजन में बैटिंग से, ठीक है। तो हो सकता है आज के लिए भी यही चीज़ हो, लास्ट मैच में भी यही अपनाई गई थी इनकी तरफ से कि ग्रीन को पहले भेजा गया था, मैक्सवेल को बाद में, ये चीज़ आज भी हो सकती है। बाकी उसके बाद में दिनेश कार्तिक का 14-0 18-21 का स्कोर है। उसके बाद वो महिपाल लोमरा और पिछले मैच में 0 नॉट आउट रहे थे, हालांकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस पूरे सीजन का रहा नहीं है, 1 मैच में 33 है। लोकी फर्गुसन फिलहाल के लिए काफ़ी सही तरीके से विकेट्स हैं इनके नाम, पिछले 3 मैच में 5 विकेट है। यश दयाल तो भाई अभी फिलहाल के लिए बढ़िया एकदम विकेट्स वगैरह आपको निकालता हुआ दिख ही रहा है। सिराज की तरफ से भी अभी पिछले 5-6 मैचेस में काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट है, लास्ट मैच में भी 1 विकेट है। करण शर्मा वो बॉलर है जिसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर इनके एक ओवर में रन आ गए थोड़ा मुश्किल ही रहता है कि इनको दूसरा ओवर या तीसरा ओवर मिले, क्योंकि स्पिन के ऑप्शंस ना यहाँ से मैक्सवेल है इनके पास में, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और इवन अगर करानी होगी लोमरोड से भी करा देंगे, इनके पास में स्वप्निल सिंह भी है स्पिन के लिए, तो इस वजह से फिर करण शर्मा के ऊपर है कि भाई अगर इनको रन पड़े तो दोबारा बॉलिंग नहीं मिलती है। वहीं पर स्वप्निल सिंह रहेंगे एज ए इंपैक्ट प्लेयर, लास्ट मैच में कराए थे इन्होंने 2 ओवर विकेटलेस गए थे। बाकी यहां से विजय कुमार है, प्रभु देसाई, अनुज रावत, डागर और उसके बाद में सौरव चौहान रहेंगे। अब चेंजेस की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कमी रहेगी। बाकी उसके बाद में आकाशदीप, अल्जारी जोसेफ, टॉम करन हालांकि इनके पास में, बट वही चेंज तो कमी चांसेस है। बाकी मनोज भांडगे है, उसके बाद में हिमांशु शर्मा और राजन चौधरी। मेरे दिल में रहेगा कि यार राजन चौधरी को खिला लेते तो एक बार बढ़िया से बॉलिंग करके दिखाता है बंदा, बट ठीक है अगले साल देखेंगे, अभी तो खिलाने के चांस ऑब्वियसली नहीं बनने वाले हैं। बाकी अगर हम देखें आरसीबी ने इस ग्राउंड पर खेले भाई 5 मैचेस, जीते हैं 3 हारे हैं 2। और अगर हम राजस्थान की बात करें, इनका रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पर ठीक है, इन्होंने 15 खेले 9 जीते और 6 मैचेस ही हारे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम रनों के मामले में बात करें तो विराट कोहली ऑब्वियसली भाई ग्राउंड पर ऊपर है, 74 का एवरेज है विराट कोहली का। बट उसके साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है कि विराट कोहली इस ग्राउंड पर नॉट आउट भी काफ़ी रहे, 11 में से 5 बार नॉट आउट, तो एवरेज थोड़ा ज़्यादा ही है। बाकी सैमसन 10 मैच में 218 रन है 24 के एवरेज के साथ में, दिनेश कार्तिक 12 मैच में 206 रन है 22 के एवरेज के साथ में, हेटमायर 5 मैच में 138 बना चुका है एवरेज, वो 138 का इसलिए क्योंकि 5 में से 5 बार नॉट आउट गया आज तक हेटमायर इस ग्राउंड पर, हर बार नॉट आउट रहा है हर बार। पाटीदार ने 3 मैच खेले रन बनाए हैं 120, लोमरोड ने 3 मैच खेले रन बनाए हैं 89। उसके बाद में विकेट्स के मामले में बात करें तो ऑब्वियसली भाई चहल के नाम है वैसे ज़्यादा विकेट, 10 मैच में 9, संदीप शर्मा के नाम 4 मैच में 6 विकेट्स है, रवि अश्विन 9 मैच में 6 विकेट के साथ में है, अल्जारी जोसेफ 4 मैच में 4 विकेट उनके नाम है, और आवेश खान की बात की जाए 4 मैच में 4 ही विकेट आपको आवेश खान के नाम देखने को मिलते हैं। बाकी सिराज और बाकी सबका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सर अपना आगे चलकर यहाँ से हेड टू हेड में, तो 31 मैचेस हो चुके हैं, 13 जीते राजस्थान की टीम ने, 15 जीते भाई आरसीबी ने, 3 मैच ऐसे हैं जो इन दोनों टीम्स के बीच में अभी तक नो रिजल्ट रहे हैं। बाकी हेड टू हेड ऐसा है कि 2 मैचेस हो चुके हैं दोनों टीम के बीच में इस ग्राउंड पर, जिसमें से 1 राजस्थान ने जीता है 1 जीता है आरसीबी की टीम ने। उसके बाद में अगर हम हेड टू हेड लीडर्स की बात करें तो भाई यहाँ भी विराट कोहली ऊपर है, बट एवरेज यहाँ पर थोड़ा सा गिर जाता है, 29 मैच में 30 का एवरेज है, 731 रन है। संजू सैमसन 24 का एवरेज यहाँ पर भी है, 18 मैच में 413, बट इन रियल पिछला जो दोनों मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ था उसमें सैमसन ने भी रन बनाए थे, उसमें विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। बाकी यहाँ से डुप्लेसिस है 6 मैच में 238 39 के एवरेज के साथ में, मैक्सवेल 6 मैच में 206 रन है 41 का एवरेज है, रियान पराग 5 मैच में 102 रन है भाई 27 के एवरेज के साथ में, दिनेश कार्तिक ने 7 मैच में 107 बना रखे हैं, 17 का एवरेज सिर्फ दिनेश कार्तिक का रहता है, जायसवाल 6 मैच में है 103 रन 17 के ही एवरेज के साथ में। तो अगर एक बड़ा खिलाड़ी कहीं अगर हम फ्लॉप होने की बात करें तो जायसवाल कहीं ना कहीं एक वो है जहां पर आप मेगा ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो उस बंदे को ड्रॉप करके। हेटमायर ने 6 मैच में 96 बना रखे हैं और 2 मैच में 74 है पाटीदार के नाम, तो एक तरीके से पाटीदार वेन्यू पर भी एक बढ़िया है और इवन हेड टू हेड में भी रन है इसके नाम।
विकेट्स की बात करें तो सिराज है भाई सबसे ऊपर 10 मैच में 10 विकेट, अश्विन ने 6 मैच में 5 विकेट निकाल रखे हैं। स्ट्राइक रेट और एवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है अश्विन का। बोल्ट के नाम 5 मैच में 5 विकेट है। बोल्ट हालांकि थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है अगेंस्ट स्टार से भी, बट विकेट निकाले 21 का स्ट्राइक रेट है। चहल के नाम 6 मैच में 5 विकेट है। इवन चहल भी थोड़ा महंगा साबित हुआ है और जो आपको 28 का जो इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिल जाता है। कुलदीप सेन 1 मैच खेला है, 4 विकेट निकाल रखे हैं। और संदीप शर्मा के नाम 2 मैच में 3 विकेट्स हैं। एक अगर कोई खिलाड़ी परेशान करता है ना विराट कोहली को तो वो रहता है संदीप शर्मा। अगर आपको पहले के मतलब काफ़ी टाइम से अगर आप आईपीएल देख रहे हो तो आपको याद होगा संदीप शर्मा ने काफ़ी बार ऐसा हुआ जब विराट कोहली को शुरुआती ओवर्स में आउट किया। उसके अलावा संजू सैमसन के इस ग्राउंड पर बात करें तो भाई एक पारी है जो लास्ट टाइम इन्होंने खेली थी तो 60 बनाए थे, उससे पहले तो इनका परफॉर्मेंस आया नहीं है ठीक है इस ग्राउंड पर। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो सेम चीज़ हेड टू हेड में अप्लाई होती है। लास्ट टाइम खेला था जब 69 बनाए थे सेकंड बैटिंग करते वक्त, बाकी आप देखोगे तो भाई ऐसा है 22, 27 और 23 का है और बाकी 4 और 8 यहाँ पर जो है फ्लॉप भी हो रखे हैं। अभी लाल कलर में लाल मिल गया तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। बाकी उसके बाद में रियान पर आ गए ना, ये बंदा इस ग्राउंड पर चला है। एक बार इसने 56 बनाया था अगेंस्ट स्टार से भी, एक बार 25 है, बाकी आप देखोगे कि 3 दफ़ा फ्लॉप भी हो रखा है, 2 बार बैटिंग फर्स्ट 1 बार बैटिंग सेकेंड करते हुए। युजवेंद्र चहल इस ग्राउंड पर 6 मैचेज है, पिछले 6 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, 1-1 विकेट निकाल रखा है, चाहे फिर वो सेकंड बॉलिंग हो चाहे फिर वो फर्स्ट बॉलिंग हो, दोनों में ही ठीक है, 1 से ज़्यादा विकेट नहीं है। हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो 2 विकेट भाई लास्ट टाइम निकाले थे पहले बॉलिंग करते हुए। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से आपको जो है 2 मैचेस में और विकेट देखने को मिलते हैं। 3 बार जो है चहल अगेंस्ट आरसीबी विकेट लेस भी गया है। उसके अलावा यहाँ से बारी आती है बोल्ट की। बोल्ट ने 3 मैचेस में से 1 ही में विकेट निकाला है इस ग्राउंड पर और 2 बार आपको विकेट लेस जाता हुआ दिख जाता है। और जिस तरीके के फिलहाल के लिए आरसीबी की ओपनिंग पार्टनरशिप रही है, कहीं ना कहीं आप मिनी ग्रैंड लीग टीम्स में बोल्ट को छोड़कर जा सकते हो, मतलब ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम से। और इवन अगर हम हेड टू हेड में परफॉर्मेंस देखेंगे तो हेड टू हेड में भी आपको एक तरीके से ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, लास्ट टाइम विकेट लेस रहा था याद रखना। उसके अलावा 2-1, 1-2 विकेट है और 1 बार और विकेट लेस है, मतलब ओवरऑल 6 मैचेस में से 4 में विकेट 2 में विकेट लेस। आवेश खान ये इस ग्राउंड पर 1 ना 1 विकेट लेके ही जाता है, हर बार इसने फर्स्ट बॉलिंग किया आवेश खान ने इस ग्राउंड पर, हर बार इसने 1-1 विकेट निकाला है। अगेंस्ट आरसीबी भी थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस रहता है आवेश खान का, जो मैं आपको सरप्राइज की बात कर रहा था कि आवेश खान है, पिछले 6 मैचेस में आवेश खान ने सिर्फ 2 बार विकेट निकाले पहले बॉलिंग करते हुए, वो भी 1-1, उसके बाद में चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो और चाहे सेकंड बॉलिंग हो भाई गया विकेट लेस। इवन पिछले 2 मैच जो इसने आरसीबी के अगेंस्ट में खेले दोनों बार विकेट लेस है। और उसके अलावा यहाँ से अश्विन है, अश्विन इस ग्राउंड पर ज़्यादा इफेक्टिव तो साबित हुए नहीं है, पिछले 6 में से भाई 3 मैच ऐसे हैं जिसमें 1-1 विकेट है। अगेंस्ट आरसीबी भी ऐसा है कि पिछले 2 बार तो विकेट लेस रहा है बंदा, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 और उससे पहले 1 बार 3 विकेट निकाले हुए। देन देखने को मिलता है संदीप शर्मा, जिनके लिए ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है जस्ट लाइक आवेश खान। और अगर हेड टू हेड की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पिछले जो 2 मैचेस संदीप शर्मा ने अगेंस्ट स्टार से भी खेले कुल मिला के 3 विकेट लिए पहले बॉलिंग करते हुए, उसके अलावा 2 बार विकेट लेस है और सॉरी 1 बार और विकेट लेस और 1 बार आपको 2 विकेट देखने को मिल जाते हैं ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले बॉलिंग करते हुए, सेकंड बॉलिंग कोई ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं संदीप शर्मा के। बाकी अगर हम बात करें यहाँ से अगर बेंगलोर की टीम की, देखो विराट कोहली अगर हम बात करें इस ग्राउंड पर तो विराट कोहली के नाम आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी, पिछले 6 मैचेस जो रहे विराट के इस ग्राउंड पर उसमें से 4 बार विराट ने फर्स्ट बैटिंग की है जिसमें से 3 बार फ्लॉप हुआ है और 1 बार 80 बनाए थे, और जबकि सेकंड बैटिंग ना 2 बार की है और दोनों बार रन देखने को मिले 70 और 35। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां से अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स जो पिछली 6 इनिंग है विराट कोहली की, लास्ट टाइम भाई सेंचुरी बनाई थी सीधी 113, उससे पहले 18, 0, 5, 9 और 7 का स्कोर है ठीक है। विराट कोहली लास्ट टाइम के अलावा उससे पहले काफ़ी लंबे टाइम से जो है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स फ्लॉप रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ से डुप्लेसिस है, डुप्लेसिस ने इस ग्राउंड पर 3 ही मैच खेले, 1 बार 24, 1 बार 25, 1 बार 1 का स्कोर है। और अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ तो हाँ एक ये बात है, लास्ट टाइम ना 2019 में आया था वो मैच जहाँ पर फाफ डुप्लेसिस ने सिंगल डिजिट स्कोर किया था अगेंस्ट राजस्थान, वरना वो 2019 के बाद में ना 8-10 मैचेस खेले अगेंस्ट राजस्थान रॉयल, हर बार ये बंदा डबल डिजिट में जाता ही जाता है और उसमें भी मोस्टली जो रन्स है ना वो ऐसे हैं 44, 55, 62, 25, 23 और 29 का स्कोर, 1 बार उसमें बीच में 10 का भी स्कोर है इसीलिए वो डबल डिजिट में काउंट कर लिया, वरना उस 10 के अलावा सारे स्कोर आपको 20 से ऊपर ही देखने को मिलते हैं। फिर तो बड़ी पसंद करता है भाई डुप्लेसिस अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स खेलना, कहीं ना कहीं आपके लिए एक एज अ डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन हो सकता है। मैक्सवेल की बात करें इस ग्राउंड पर 2 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए 25 और 24 का स्कोर है जस्ट लाइक डुप्लेसिस, सेकंड बैटिंग करते हुए कंप्लीटली फ्लॉप रहे यहां से। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहां भी आपको फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा बढ़िया करता हुआ दिख जाता है मैक्सवेल अगेंस्ट राजस्थान रॉयल, 54 और 77 का स्कोर। पाटीदार
को ये ग्राउंड भी पसंद है, पाटीदार को सामने वाली टीम भी पसंद है, दोनों चीज़ें 58-31-31। उसके अलावा 58-16 का स्कोर अगेंस्ट राजस्थान रॉयल। दिनेश कार्तिक की बात करें, पिछली तीन इनिंग दिनेश कार्तिक की उतनी अच्छी इस ग्राउंड पर नहीं रही है। हाँ, उन तीन से पहले 22-26-2 का स्कोर है। अगर हेड टू हेड की बात करूँ तो यहाँ भी आपको दिखेगा दिनेश कार्तिक स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं है अगेंस्ट राजस्थान। लास्ट टाइम 0 बनाया था, उससे पहले 16-6 का स्कोर है, उससे पहले भी 6 रन का स्कोर है, एक बार 44 बनाया है। तो मतलब पिछले 6 मैच में कार्तिक ना सिर्फ एक ही बार चले हैं अगेंस्ट राजस्थान। और उसके अलावा अगर हम बॉलर्स की बात करें, सिराज ये ग्राउंड पर 6 में से 2 बार चला है और दोनों बार उसने लिया था एक एक विकेट। अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ भी आपको मोस्टली ज़्यादातर क्या है ना, एक एक विकेट ही लेता हुआ दिखता है। मतलब पिछले 6 मैच में से 3 बार एक एक विकेट है, एक बार 2 है, बाकी 2 बार है विकेटलेस। उसके अलावा करण शर्मा इस ग्राउंड पर भाई 0-1 विकेट है, ठीक है, पिछले 2 में से 1 बार विकेट, 1 बार विकेटलेस। बाकी राजस्थान के अगेंस्ट में एक चीज़ है कि भाई का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा ठीक रहता है। लास्ट टाइम 2 विकेट आए थे अगेंस्ट राजस्थान, उससे पहले 0 है, उससे पहले 2 विकेट, और फिर पिछले जो उससे पहले के 3 मैचेस रहे हैं उनमें भी एक एक विकेट यहां से निकाल रखा है। लोकी फर्गुसन ये इस ग्राउंड पर बिल्कुल नहीं चला है, पहले याद होगा गुजरात टाइटन से भी खेला है। तो भाई इस ग्राउंड पर तो लोकी फर्गुसन के लिए बिल्कुल एकदम लक रहा नहीं है, उसने तीनों बार फर्स्ट बॉलिंग किया और तीनों बार विकेट लेस गया है। और अगर हम बात करें यहाँ से अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, लोकी फर्गुसन ने 2 बार सेकंड बॉलिंग की है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स और भाई दोनों बार उसने 3-3 विकेट निकाले। तो लोकी फर्गुसन का तो बड़े क्लियर चॉइस बनता है कि सेकंड बॉलिंग अगर करें तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और ग्रैंड लीग में एज अ सीवीसी भी कहीं ना कहीं हम रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद में देखो अगर प्लेयर्स की बात की जाए कौन से अपने लिए भाई अच्छे ऑप्शन बनते हैं स्मॉल लीग के लिए, देखो सबसे पहले बॉलिंग ऑप्शन बर्गर अगर लेना हो तो ले लेना स्मॉल लीग टीम में, वरना छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आना उसका कंफर्म नहीं है। राजस्थान के पास में बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी भाई यहाँ से 5 बनते हैं, तो अगर वो चाहे तो भाई अगर टीम की जरूरत पड़ने पर वो बैट्समैन को भी बुला सकते हैं किसी को, तो इस वजह से बर्गर रिस्की रहेगा अपने लिए। बाकी यहाँ से चहल, बोल्ट, ये 2 प्राइमरी ऑप्शन रहने वाले। चाहो तो बोल्ट की जगह पर रावेश खान के साथ में भी जा सकते हो, बट चूंकि आरसीबी के अगेंस्ट में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है तो बोल्ट थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बाकी यहाँ से संदीप शर्मा अगर भरोसा दिखाना चाहो तो वही है कि बोल्ट वगैरह की जगह पर ही दिखाना, बाकी मैं फिलहाल के लिए बोल्ट या आवेश खान किसी एक को लेने वाला हूँ। उसके बाद में अश्विन है, आई डोंट थिंक उतना अच्छा ऑप्शन फिलहाल के लिए अपनी स्मॉल लीग टीम के लिए बन रहा है। ठीक है, स्मॉल लीग के लिए क्या है ना, जायसवाल हो गया, संजू सैमसन हो गया, रियान पराग हो गया, 3 बैट्समैन हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम के लिए। कैडमोर 4th है, रिस्क लेना हो किसी बैट्समैन के ऊपर कैडमोर आपके पास में फिर वो ऑप्शन बनता है रिस्क लेने के लिए। अदरवाइज सेफ की बात की जाए तो जायसवाल, सैमसन और रियान पराग। वहीं अगर हम बात करें यहाँ से आरसीबी की टीम की, तो फिर अपने पास में भाई यहाँ से सीधा है कि टॉप 5 तो इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं। डुप्लेसिस, विराट कोहली, पाटीदार, मैक्सवेल और ग्रीन, ये 5 तो इम्पोर्टेंट बनते ही बनते हैं जो कि टीम से बाहर जाने नहीं चाहिए। फिर बात आती है कार्तिक की, लोमरोड की। लोमरोड तो ऑब्वियसली स्मॉल लीग टीम के लिए नहीं है। कार्तिक का अगर हम देखते हैं तो भाई कार्तिक के ऊपर अगर आपको रिस्क लेना है तो लो, नहीं तो आज के लिए विकेट कीपर में आई थिंक संजू सैमसन बेस्ट चॉइस है। उसके बाद में बारी आती है बॉलर्स की। अब लोकी फर्गुसन आपको बता ही दिया कि अगर सेकंड बॉलिंग करे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में आई थिंक सिराज ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा। उसके अलावा करण शर्मा की बॉलिंग का भरोसा नहीं है, सेम गोज फॉर स्वप्निल सिंह, इसकी भी बॉलिंग का भरोसा नहीं रहता है क्योंकि ये एक ओवर कराने के बाद में भी ऐसा हो जाता है ना कि ये एक ओवर से ज़्यादा विकेट लेने के बाद में भी ऐसा हो जाता है कि एक ओवर से ज़्यादा ये कराता नहीं कभी कभार, या 2 ओवर करा दिए। यश दयाल फिलहाल के लिए सही फॉर्म है तो यश दयाल ज़्यादा बेटर ऑप्शन बनता है बॉलिंग सेक्शन में से। उसके बाद में अगर हम बात करें प्लेयर बैटल की, लोमरोड जो है वो चहल के अगेंस्ट में 3 बार आउट हो चुका है। उसके अलावा दिनेश कार्तिक भी चहल के अगेंस्ट में 3 बार आउट हो चुका है। इवन स्ट्राइक रेट भी कार्तिक का जो है वो चहल के अगेंस्ट में थोड़ा कम ही रहता, 100 से भी नीचे गया। डुप्लेसिस अगेंस्ट बोल्ट 3 बार आउट हुआ है, चहल के अगेंस्ट में भी 2 बार विकेट गंवा चुका है। ग्लेन मैक्सवेल, संदीप शर्मा के अगेंस्ट में 2 बार और बोल्ट के अगेंस्ट में 2 बार अपने विकेट गंवाई है। पाटीदार की बात करें अगेंस्ट अश्विन, ये 2 बार आउट हो चुके हैं, और विराट कोहली अगेंस्ट आवेश खान यहां से 2 बार आउट हुए। वहीं पर जायसवाल की बात करें अगेंस्ट यश दयाल, तो आपके लिए देखो ऑप्शन है भाई स्मॉल लीग में तो चलो पिक कर ही रहे हो जायसवाल को, बट आई थिंक ग्रैंड लीग में रिस्क लेना बनता है क्योंकि सामने लेफ्ट आर्म पेसर रहेगा और जायसवाल का जो है परफॉर्मेंस इस बार लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं है। ठीक है, और बट आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रह सकता है मेगा ग्रैंड लीग में। ऑफर पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैलन सर्कल का फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना और 5 मेगा ग्रैंड लीग टीम आप लगा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेगा ग्रैंड लीग को 1 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर करने के ज्वाइन कर लेना क्योंकि उसके बाद में फिर वो जो एंट्री फीस वो बढ़ जाएगी, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है, इस बारे में कि 1 घंटे के बारे में। तो पहले ही हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और साथ साथ एक कोड भी दिया हुआ है जिसके वजह से आप जो फर्स्ट डिपॉजिट करोगे उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल सकता है, तो फ़ायदा ज़रूर उठा लेना इस चीज़ का भी।
बाकी देखो टीम की बात करें, संजू सैमसन है बैटर सेक्शन में, जायसवाल, पाटीदार, डुप्लेसिस, विराट कोहली हो जाता है, बाकी मैक्सवेल, ग्रीन और रैन पर आ गए, यश दयाल, चहल हो जाते हैं। उसके बाद मैं अगर चाहूँ ना तो यहाँ से आप आवेश खान की जगह पर किसी और के साथ में जा सकते हो, लाइक ट्रेंट बोल्ट आपके पास में, ठीक है, वो ऑप्शन आपके पास में रहेगा। बाकी आवेश खान मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा अगर पहले बॉलिंग करता है तो, ठीक है, अगर फर्स्ट बॉलिंग करे तो, बाकी एक इवनली ट्रेंट बोल्ट भी ठीक है, बट अगर सेकंड बॉलिंग आ जाती है तो फिर ट्रेंट बोल्ट ही है, फिर आवेश खान वाली चॉइस नहीं होती है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन है विराट कोहली, वाइस कैप्टन है ग्रीन, चाहो तो भाई आज के लिए एज अ डिफरेंशियल कैप्टन डुप्लेसिस को भी ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हो जाती है टीम एंड सब चीज़ें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो फटाफट से कर लो, एंड बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।